गाइस वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड झणझणीत मिसल पाव। तो इसके लिए मैंने इसे 8 घंटे तक भिगो के रखा था, तो इसे आप अंकुरित भी कर सकते हो, पर मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो इसे इस तरह से डाल देते हैं। तो अभी लेते हैं हम कुकर, इसे हम कुकर में 1 विसल तक ही पकाएंगे। अभी इसमें डालेंगे 1/4 जितनी हल्दी और थोड़ा नमक। इसमें डाल देते हैं पानी और इसमें डालते हैं 1 तेज़पत्ता और 1 चकरी। इसका भी फ्लेवर बढ़िया सा आएगा। अभी करते हैं हम कुकर को बंद। अगर आपकी जल्दी जल्दी सीटी होती है तो आप 2-3 कर दीजिए, और नॉर्मली होती है तो 1 सीटी में हो जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी। अभी हम चलते कुकर, सॉरी गैस के पास। अभी देखिए मैंने मीडियम आंच पे कुकर को रख दिया है। तो अभी इसे हम 1 विसल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 विसल करेंगे। अभी देखिए दूसरी साइड हमने गैस चला दिया है और इसे इसमें एक प्याज को मैंने बीच में से कट कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसका जो टेस्ट है ना, इतना बढ़िया सा लगेगा कि आपके जो रेसिपी इसको 4 चांद लगा देगा। तो इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। मैंने इसका छिलका थोड़ा सा निकाला है, पर उसे इस तरह से रहने दिया है। अभी चारों तरफ से घुमा के हम इसे सेक लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सिकना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम पहले एक तरह से अच्छी तरह से सिकने देते हैं, उसके बाद इसे हम टर्न करेंगे। इसे टर्न कर करके हमें इसे सेकना है। अभी देखिए इसे मैं टर्न करती हूँ थोड़ा। अभी इसे खड़ा रखूँगा। ये देखिए इसका छिलका इस तरह से, वो छिलका अभी निकाल दूंगी। अभी जो दूसरा बनेगा ना, बढ़िया तरीके से बनेगा। मैंने इसे कट इसलिए लगा दिया है कि वो बीच में से भी अच्छी तरह से सिक जाए। अभी इसी तरह से मैं इसे पूरा सिक लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से सिक गया है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह। अभी भी इस पर हम डालते हैं ये नारियल, मैंने इस तरह से लिया है वो रख देते, और इसे भी हम इसी तरह से सेकेंगे। एकदम बढ़िया से टेस्ट। ये देखिए इसे आप इस तरह से बना दीजिए और वापस इसे कर दीजिए। ये देखिए नारियल भी हमारा सिक गया है। अभी इसे ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे पीस बनाऊंगी। अभी दोनों चीज़ें हमें ठंडी करनी है। ये देखिए मैंने प्याज और इस तरह से रख दिया है, तो अभी ठंडा हो जाने के बाद इसे पीस करेंगे। तब में मटके हमारे बढ़िया तरीके से हो गई है, तो इसमें हम जो ये है ये निकाल देंगे। इसे साइड पे करते हैं। अभी लेते हैं छोटा मिक्सी जार, उसमें हमने जो प्याज बनाया था वो डाल देते हैं, प्लस 4-5 लहसुन और जो हमने नारियल भुना था ना वो डाल देते हैं। और इसके साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून जितना धना पाउडर और 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला वो डाल दिया है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे बना लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया। मैंने 1/2 कप जितना इसमें पानी डाला था। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें डालते हैं 3 से 4 टेबल स्पून जितना ऑयल। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, और 1/2 टीस्पून जितना राई। अभी राई को हम अच्छी तरह से क्रैकल होने देते हैं। अभी राई हमारी क्रैकल हो गई है, तो मैंने लिया है 2 यही तरह से चकरी, लौंग, ब्लैक पेपर, दालचीनी और तेज़पत्ता वो डाल देते। खड़ा मसाला डालने से भी बढ़िया से टेस्ट आती है। साथ में एक छोटा कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर मीडियम साइज का, इसमें डालेंगे ही 1/4 जितना, और वापस इसे हम चला लेते हैं।
थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया, अभी देखिए टमाटर भाई हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और पैन भी हमारे ट्रांसफर जैसा हो गया है, तो जब हमने मसाला लिया था ना वो डाल देते हैं और इसे खुशबू आने तक अच्छी तरह से भुनेंगे। इसमें डालते हैं नमक, हमने पहले भी थोड़ा डाला था तो अभी इस तरह से डाल देते हैं और इसे वापस हम चला लेते हैं। अभी ऑयल हमारा रिलीज हो रहा है और खुशबू बढ़िया सी आ रही है तो इसमें डालते हैं हम मटकी। और इसे हम चला लेते हैं। इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है पर आपको जैसे भी चाहिए, घर में जैसे भी खाते हैं आप उसी तरह से बनाइए। अब इसमें हम डालते हैं धनिया और इसे अभी हम उबलने देते हैं। देखिए इस तरह से आपको जैसे भी गाढ़ी या कैसे भी बनानी ना आपके हिसाब से बना सकते हो। ये देखिए अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं। अभी देख लेते हैं, देखिए ये इसका देखिए जो कट है ना वो कट तो अच्छी तरह से आना चाहिए तभी ये मज़ा आता है खाने में। और एक्चुअल तो ये इसी तरह से बनाया जाता है। अभी इसे हम सर्व करने के लिए ले लेते हैं, इसे हम साइड पे करते हैं। अभी इसमें मेरे पास कुछ नमकीन है तो मैं ऐड कर रही हूँ और भी बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए मस्त। ये देखिए झंझनाट हमारी मस्त रेसिपी। इसके साथ थोड़ा सा डालते हैं धनिया और थोड़ी सी सेव और इसका आप लुक देखिए कितना बढ़िया सा है, एकदम मस्त। मुंह में पानी आ गया ना, तबीयत खुश हो जाएगी खा के, इतनी बढ़िया सी है। ये देखिए मस्त झंझनाट हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। तो आप इस तरह से बनाएं, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप किस तरह से बना रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसमें आप लीमोन निचोड़ के रखिए तो एकदम और भी बढ़िया से लगेगी। तो इस तरह से ये मिसल पाव, वाह, महाराष्ट्र एकदम स्पाइसी स्पाइसी सब्जी, आपके मुँह में स्वाद आ जाएगा। तो इस तरह से बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।